उस समय ना क्रेन था ना कुछ था, तो इतने बड़े बड़े 200-200 टन के पत्थर को ये लोग इतनी हाइट पर लेके कैसे गए थे वहां। यहाँ देखिए एक आदमी खड़ा है, दो ठो, अब अंदाजा लगा दीजिए ये 2 आदमी है और ये क्या है, पिरामिड। मिस्र में ये मान्यता था कि बड़े बड़े पिरामिड में राजाओं की क्या रखी जाती थी, कब्र बनाई जाती थी। कब्र जो था, पिरामिड जो होता था वो क्या होता था, कब्र होता था, मतलब ताबूत, कब्र बनाया जाता था पिरामिड में। और मरुस्थलीय क्षेत्र में इतने बड़े बड़े पिरामिड बनाया था मिस्र वालों ने। ये छोटा, अभी तो ये देखिए, ये जो पिरामिड दिख रहे हैं, ये पिरामिड आपको ऐसा लगेगा कि आखिर इसमें है क्या, ठीक है, ये आपको ऐसा लग सकता है कि आखिर इसमें है क्या चीज छुपा है। ये एक ब्लॉक दिख रहा है, ये कम से कम 20 टन का होता था, छोटा वाला, सबसे छोटा जो पत्थर मिला है कितने का मिला है, 20। आज का ट्रक 10 टन खींचता है, आज का जो ट्रक है ना 10 टन खींचता है। एक एक ऐसे ऐसे पिरामिड मिले हैं जिसका एक पत्थर 200 टन का था। आज कोई मतलब जेसीबी तो 200 टन के बाद टूट जाएगा खुदे यहाँ पर। तो उस समय ना क्रेन था ना कुछ था, तो इतने बड़े बड़े 200-200 टन के पत्थर को ये लोग इतनी हाइट पर लेके कैसे गए थे वहां पर। और पत्थर रखने का नहीं है, इतना बारीकी से पत्थर को रखा गया है कि बीच में आप एक बाल तक नहीं डाल सकते। ये जो बाल होता है ना सर का, उसको भी अंदर नहीं जा सकते, इतनी बारीकी से उसको तराश के क्या किया गया है, फिट किया गया है। और ये आपको भले इतना छोटा सा लग रहा होगा, ये एक पत्थर की जो हाइट है ना एक आदमी के बराबर है, ये एक पत्थर जो है ना कितने के बराबर है, एक आदमी के बराबर। इस टाइप के मिस्र में बहुत सारे क्या मिले हैं, पिरामिड मिले हैं, बहुत सारे क्या मिला गया है, पिरामिड। ये पिरामिड कहाँ पे है, मिस्र में मिला गया है, और ये हजारों की संख्या में मिले हैं पिरामिड। लेकिन आप देखेंगे तो ज्यादा फेमस आपको यही वाला पिरामिड मिलेगा, ये गीजा में है। कहाँ पे है, गीजा में है। तो पिरामिड में कई सारे पिरामिड फेमस है, लेकिन ये वाला कुछ ज्यादा ही क्या है, फेमस है ये। और ये तीनों पिरामिड ना कि तारे से क्या है, सब इंक्लाइंड है सब। उनका मानना था कि इनमें इनके जो राजा का यहाँ मकबरा है, ये ईश्वर से बात कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, उनका अपना मान्यता है। अब ये पिरामिड बहुत ज्यादा हाइट में है, यहाँ देखिए एक आदमी खड़ा है, दो ठो, अब अंदाजा लगा दीजिए ये 2 आदमी है और ये क्या है, पिरामिड। सोच सकते हैं, ये पिरामिड में देखिएगा थोड़ा सा घिसावट होगा, यहाँ देखिएगा लाइम स्टोन के कुछ यहाँ लगाए गए हैं और बाकी ये नहीं है यहाँ पर। तो ये क्या है, हवा के चलने से, रेगिस्तान में जो हवा चलती है उसमें कंकड़ पत्थर भी आते हैं, तो लगातार चोट लगने से उधर का लाइम स्टोन क्या हो गया, झड़ गया। और ये इतना बड़ा विशाल पिरामिड रहा है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी का इंजीनियरिंग और केमिकल डेवलप था तो किसका था, मिस्र वाला। इतना भयानक ये सब बना के रखे हैं सब। अब इस पे रूल है कि आप एक ही बार जा सकते हैं मिस्र की पिरामिड में, वहाँ के गवर्नमेंट ने क्या लगाया है, रूल लगा दिया। अंग्रेजवा सब थोड़े सब इसके अंदर खोल के सोचे थे सर रिसर्च किया जाए क्या मिलेगा, तो इसके अंदर कुछ गुफा है सर। क्या है सर, गुफा, गुफा कुछ जाती है अंदर सर, यहाँ से इस डायरेक्शन में आपको हल्का सा रास्ता दिखेगा, अंदर से गुफा। अब इसके आगे कोई गया ही नहीं है, कहा जाता है इसे किंग्स चैम्बर, राजा का चैम्बर। अब अंग्रेजों ने सोचा कि इसके अंदर जाते हैं, तो अंग्रेज सब का काम है खोज करना ये सब का, तो मिस्र की सरकार ने बैन लगा दिया कि पता चला अगर रहस्य पता चल गया तो कोई टूरिस्ट घूमने ही नहीं आएगा, उससे अच्छा बैन लगा दिया, अब इसी भी इस पर किसी भी तरह का रिसर्च काम नहीं हो सकता। साथ ही आप पर भी नियम लगा दिया कि आप अगर मिस्र जाते हैं तो एक ही बार आपको गीजा का क्या देखने को दिया जाएगा, पिरामिड। बार बार नौटंकी करेंगे तो क्या होगा भाई, वहाँ की रहस्य से पर्दा हट जाएगा। अब एक बार कोई सी चीज़ के रहस्य से पर्दा हट गया, काम खत्म हो जाता है। अभी भी मम्मी नहीं बनाया जाता, अब नहीं बनाते, अब कौन मम्मी बनाएगा, जिंदा को रखने का जगह नहीं है, मरल आदमी को कहाँ रखिएगा। उस समय लोग कम थे, खाली जगह दुनिया भर का होता था, रख दिया वहां पर, किसी को दिक्कत, क्या सिद्ध करना चाहता था। उनकी परंपरा थी कि ये वापस जीवित होंगे, तब उस समय का विश्वास था, अब ये कन में कम अंधविश्वास है, आज के समय में 50 गो अंधविश्वास है। बिलाई रास्ता काट देती है तो जाता नहीं है आदमी। तुम आज 2022 में खड़ा होकर तुम आज से लगभग 5000 साल पहले वालों को से बिल्ली रास्ता काट देती है, लोग जाते हैं नहीं जाते हैं। शनिवार के दिन लोग बाल नहीं कटवाते हैं, आज के दिन में मानना है मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए, आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये आप ये क्यों रिसर्च कर रहे हैं कि अंधविश्वास था या नहीं था। अभी भी हम लोग यहाँ दुनिया भर का अंधविश्वास रहता है, ये जात में से वो जात में ब्याह हो जाएगा तो मार हो जाता है,
ये क्या है, अंधविश्वास है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब धर्म चेंज होता है तो थोड़ा समझ में आता है कि पूरा कल्चर ही चेंज हो जाएगा। जाति चेंज होने में क्या रखा है जी, जाति तो सब सब चीज सेम है ना मानता है जी। अब ये अंधविश्वास नहीं है तो क्या है, कह रहा है कि काहे लिए रखता था। अरे यार उसको छोड़ो, रखता था, देखो साइंस कितना डेवलप था वहां पर, इतना बड़ा बड़ा पिरामिड बना दिया, किस तरह से उठाया होगा 200-200 टन का पत्थर, आज तक लोग रिसर्च करता है, और उतना ऊपर ले गया होगा, कैसे ले गया होगा, और उतना बेहतरीन ढंग से तराशा कि उसमें बाल का एक टुकड़ा तक नहीं जा सकता, इतना बेहतरीन था। आगे बढ़ जाते हैं, फिरौन किस सभ्यता का था, मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता के लोगों ने क्या बनाया था, पिरामिड, ममी, ममी भी बनाया था और पिरामिड भी। ममी क्या थी, अपने पूर्वजों की लाश को क्या करते थे, एक रसायन पोत के एक मोटे कपड़ा से क्या किया जाता, लपेट दिया जाता था, हालांकि लाश सही सलामत नहीं रहती थी, लेकिन गलती नहीं थी। उनका कहना यह था कि जैसे देखिए हर धर्म की ना एक ठो आपको कॉमन चीज मिलेगा, कि धर्म कोई ना कोई एक मतलब प्रवर्तक आएंगे और लास्ट होगा तो कोई ना कोई एक मतलब अंत हो जाएगा, जैसे इस्लाम धर्म के हिसाब से कयामत, हिंदू धर्म के हिसाब से कल की अवतार है कि नहीं, आ गए हैं तो अलग इसका दुनिया है कल की अवतार, हिंदू धर्म के हिसाब से ना पृथ्वी का अंत होगा कल की अवतारों के, एक अंतिम भगवान आएंगे कल की रूप लेके और सबको क्या कर देंगे, साफ कर देंगे, चलो लोग तुम्हें बहुत ही अत्याचार कर। उसी तरह इस्लामिक परंपरा में भी है कि अंतिम समय में क्या होगा, बहुत सारे लोग क्या होंगे, आपसी परिवार में फूट पैदा हो जाएगी और ये सब होगा तो एक कयामत आ जाएगा, ईसाई धर्म के हिसाब से भी कयामत आ जाएगा, यहूदी धर्म के हिसाब से भी कयामत, ये सब चीज़ों की परंपरा बहुत ज़्यादा है। कयामत में तो समझते हैं हाँ, विनाश तबाही हो जाएगा एकदम, समझ आ गया कि नहीं आ गया, तो परलय आ जाएगा यहाँ पर भयानक। तो उसी वही परंपरा को ये लोग मानते थे कि परलय आएगा, और कहा जाता है कि उसके बाद सबके हिसाब किताब होगा, तू कितना अच्छा काम किया कितना गलत काम किया यहाँ पर। तो इन लोगों का मानना था, मिस्र वालों का, कि उस समय इनके वही लाश जो है ना उठेगी, वापस जीवित हो जाएगी यहाँ पर। अब बाद में क्या होगा क्या नहीं इसको कौन जानता है, अभी जो है उसको देखा जाए।